सो गाइस, आज मैं ग्रूट का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें ग्रूट को दिखाया जाता है जो अभी टर्मा प्लेनेट पर होता है। वो टहलते हुए चॉकलेट खा रहा था, तभी वो नीचे गिर जाता है। उसकी नजर वहाँ रख के एक अंडे पर जाती है। ग्रूट एक्साइटेड हुआ तेजी से उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है, तभी वो अंडा ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक बेबी निकलता है जो टर्मा बेबी बर्ड होता है। ग्रूट को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उसकी तरफ उंगली बढ़ाता है, बर्ड उसे बाइट करने लगता है। यह देखकर ग्रूट उसे चॉकलेट खिलाता है जिससे वो बेबी बर्ड बहुत खुश हो जाता है। ग्रूट उसे अब और ज्यादा चॉकलेट खिलाने लगता है जिससे वो जल्द ही दोस्त बन जाते हैं और साथ खेलने लगते हैं। ग्रूट उसे अपना नाम बताता है और उसे बोलना सिखाने की कोशिश करता है, पर वो बर्ड ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिरकर कीचड़ में गंदा हो जाता है। ग्रूट उसे साफ करता है पर वो वहां से भागने लगता है। ग्रूट उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो चारों तरफ पोटी करने लगता है। ग्रूट फाइनली उसे पकड़ लेता है और अपने सर पर अपनी बेलों से बांध लेता है। बेबी बर्ड तेजी से ग्रूट के सर पर मारने लगता है तो ग्रूट उसे चॉकलेट खिलाता है, पर कुछ ही देर में चॉकलेट भी खत्म हो जाती है। ग्रूट उसे पानी पिलाने लेकर जाता है पर वो पानी भी नहीं पीता। ग्रूट इसे परेशान हुआ पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है, पर वो बेबी बर्ड भी आजाद होकर ग्रूट को परेशान करने लगता है। ग्रूट उसे सुलाने की कोशिश करता है पर वो शोर मचाने लगा भागने की जिद करता है। ग्रूट उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता, तो ग्रूट उसे जाने को कहता है पर वो वहाँ से नहीं जाता और ग्रूट को अभी भी परेशान करने लगता है। तो ग्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है ताकि वो चैन से सो सके। तभी वहाँ बहुत सारे टेरमो बेबी बर्ड आ जाते हैं। ग्रूट डर कर उनसे भागने लगता है पर एक पेड़ से टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो सारे बेबी बर्ड ग्रूट को पार करके आगे निकल जाते हैं। ग्रूट इससे हैरान हुआ उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सारे बेबी टर्मा अपनी माँ के पास जा रहे थे, जो काफी बड़ी टर्मा बर्ड थी। वो ममा बर्ड उन सभी बेबी बर्ड को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। ग्रूट इससे इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उस बेबी बर्ड से बिछड़ रहा था। वो बेबी बर्ड भी ग्रूट की तरफ एक चॉकलेट फेंकता है। इसी के साथ बेबी ग्रूट का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम क्वाड्रेंट शिप को देखते हैं जिसमें ग्रूट मजे से अपने रूम में लेटा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था, साथ ही वो चिप्स और जूस को भी एंजॉय कर रहा था। तभी ग्रूट के गेम कंट्रोलर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ग्रूट को इससे गुस्सा आता है और वो बैटरी को शिप में मौजूद टूल बॉक्स में ढूंढने लगता है। ग्रूट को एक बैटरी मिल जाती है जिसे वो कंट्रोलर में लगा देता है, पर अभी भी कंट्रोलर को चलाने के लिए एक और बैटरी की आवश्यकता थी। ग्रूट वापस से टूल बॉक्स में बैटरी को ढूंढने लगता है। इससे ग्रूट के मुंह पर बायोनिक नाक वाला डिवाइस चिपक जाता है जो किसी भी प्राणी को स्मेल को सेंस करने में मदद करता था जिनके पास नाक नहीं होती थी। ग्रूट के पास भी नाक ना होने की वजह से उसे बायोनिक डिवाइस की मदद से स्मेल सेंस होने लगती है, इसीलिए वो आसपास रखी हुई चीजों को सूंघने लगता है। वो टॉयलेट के पास भी जाता है पर उसमें से बदबू आ रही थी, इसीलिए वो वापस अंदर आकर फूलों को सूंघने लगता है। ग्रूट फिर अपनी बगल को भी सूंघता है जिसमें से तेज बदबू आ रही थी, इसीलिए अपनी पूरी बॉडी पर डीओ लगाता है और अब वो वापस से सभी चीजों को सूंघने लगता है। ग्रूट जब गलती से एक गिलास को फेंकता है तो उसे एक और बैटरी मिल जाती है जिसे वो कंट्रोलर में लगाकर वापस से अपने रूम में गेम खेलने आ जाता है, पर वो वहाँ देखता है कि उसके रूम में बहुत ज्यादा गंदगी है क्योंकि पहले ग्रूट के पास नाक न होने की वजह से वो स्मेल को सेंस नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चारों तरफ गंदगी फैलाकर रखता था। पर अब उसे पता चलता है कि उसका रूम कितना ज्यादा गंदा है। ग्रूट को तभी एक डस्टर दिखाई देता है जिसे वो पूरे जोश के साथ उठा लेता है, मानो जैसे वो पूरे कमरे की सफाई करने वाला हो, पर वो ऐसा नहीं करता और उस डस्टर की डंडी को अपने नाक में डालकर उस बायोनिक नाक को ही निकाल कर कचरे में फेंक देता है और वापस से मजे लेकर गेम खेलने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम ग्रूट को बेंटा शिप में देखते हैं क्योंकि ग्रूट फोलिगर प्लेनेट की तरफ जा रहा था। वो अपने लिए चाय बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक कप में वो अपनी पसंद की सारी चीजें डालता है। कुछ ही देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है जिसे वो पीने वाला था। तभी बेंटा शिप फोलिगर पर लैंड हो जाता है, इसीलिए ग्रूट चाय छोड़कर बाहर देखता है। फोलिगर प्लेनेट पर चारों तरफ बर्फ थी, इसीलिए ग्रूट तैयार होकर बाहर आ जाता है और बर्फ में मस्ती करने लगता है। वो
घंटों तक बर्फ में खेलता रहता है और अब बर्फ के गोले बनाने लगता है, जिससे ग्रूट को स्नोमैन बनाने का आइडिया आता है और उस शिप के कुछ पार्ट्स निकाल कर आइस के बड़े गोले में लगाने लग जाता है। ग्रूट ने काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत स्नोमैन बनाया था जिसमें लाइट भी लगी हुई थी। ग्रूट इससे खुश होता है, पर तभी वो स्नोमैन एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ग्रूट ने बहुत सारे रोबोटिक पार्ट्स को मिला दिया था, जिससे वो स्नोमैन एक रोबोट बन चुका था। वो रोबोट ग्रूट पर लेजर से हमला करने लगता है। ग्रूट इससे बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। ग्रूट अब एक बर्फ की दीवार के पीछे छिप जाता है। वो स्नोमैन अब ग्रूट को स्कैन नहीं कर पाता, इसीलिए वो बेंडा शिप की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रूट को याद आता है कि उस शिप में उसकी बनाई हुई चाय है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए तेजी से नीचे कूद जाता है, पर वो रोबोट लेजर से शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी ग्रूट एक गोला बनाकर उस रोबोट पर हमला करता है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। ग्रूट को तभी उस रोबोट पर लगे रॉकेट को एक्टिवेट करने का तरीका पता चल जाता है, इसीलिए उस पर स्नोबॉल से हिट करता है, जिससे वो रोबोट आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। ग्रूट इससे खुश होता है और अब वो स्लाइड करता हुआ वापस से अपने शिप पर आ जाता है और अपनी बनाई हुई चाय को पीने लगता है, पर वो बहुत बुरी बनी थी इसीलिए उसे फेंक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम ग्रूट को क्वारंटीन शिप में देखते हैं। ग्रूट अपने एक टॉय के साथ खेल रहा था, तभी ग्रूट को तेज रिंग की आवाज आती है, इसीलिए वो तेजी से बाहर आता है क्योंकि बाहर एक इंटरगैलेक्टिक आइसक्रीम ट्रक आया था, जो एक शिप थी जो स्पेस में आइसक्रीम को बेचने के लिए घुमा करती थी। ग्रूट उस शिप को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो भी आइसक्रीम खाना चाहता था। उसका एक चॉकलेट आइसक्रीम पर दिल आ जाता है। वो शिप वहां से आगे बढ़ने लगता है। ग्रूट आइसक्रीम खरीदने के लिए जेब में पैसे चेक करता है, पर उसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ग्रूट निराश हो जाता है, तभी उसे पिगी बैंक का ख्याल आता है और वो तेजी से पिगी बैंक के पास जाकर उसमें से कॉइन निकालने की कोशिश करता है। एक कॉइन बाहर निकलता है, पर वो भी नीचे एक जाली में जाकर गिर जाता है। ग्रूट उसे पकड़ नहीं पाता। वो उसे बाहर निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर की मदद लेता है, पर इससे भी वो कॉइन को बाहर नहीं निकाल पाता और खुद ही उस वैक्यूम के अंदर चला जाता है। ग्रूट अब बाहर आकर इधर उधर कॉइन ढूंढने लगता है, पर उसे पुराना सड़ा हुआ चिप्स मिलता है। ग्रूट अब प्लेइंग रूम में आ जाता है, जहां ग्रूट को एक मशीन दिखाई देती है जिसमें एक कॉइन था। ग्रूट कांच तोड़कर उसके अंदर चला जाता है और कॉइन को निकाल लेता है, पर वो एक चॉकलेट थी। ग्रूट को बहुत गुस्सा आता है और उस पूरी शिप को ही तोड़ देता है। इससे उस मशीन में रखे हुए कॉइन बाहर आ जाते हैं। ग्रूट उन कॉइन को लेकर खुश हुआ बाहर आता है, पर वो आइसक्रीम शिप वहाँ से जा चुका था। ग्रूट इसे बहुत सेड हुआ रोने लगता है। वो हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो अपनी शिप में बैठ जाता है और उसे एस्केप करके उस आइसक्रीम शिप की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिससे वो उससे ही टकरा जाता है। इससे ग्रूट को आइसक्रीम मिल जाती है और वो तेजी से उसे खाने लगता है। ग्रूट के आइसक्रीम शिप को तोड़ने की वजह से वहाँ नोवा कॉर्प्स स्टार ब्लास्टर शिप लेकर आ जाते हैं और ग्रूट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक वाचर बताता है कि मैं आपको टाइम वास्ट रियलिटी से गाइड करता हूँ और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। साथ ही बताता है कि एक एशियन ट्रेज लार टेम्पल में ट्रेज लार का लास्ट बीज मौजूद है। लीजेंड का कहना है कि एक हीरो आकर इस बीज को मंदिर से निकालेगा, जिससे यूनिवर्स एक ग्लोरियस एज में प्रवेश करेगा। और वो हीरो और कोई नहीं बल्कि ग्रूट था। ग्रूट ट्रेज लार टेम्पल के बाहर पहुँच चुका था। वो एक बॉल लेकर टेम्पल के अंदर आता है। टेम्पल के अंदर बहुत सारे खतरे थे, जिससे ग्रूट को संभल कर रहना होगा, पर ग्रूट बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो जैसे ही एक पत्थर पर पैर रखता है, बहुत सारे एरो उसकी तरफ आते हैं, पर ग्रूट साइज में बहुत छोटा होने की वजह से उसे एक भी एरो नहीं मिलता और वो हर जाल को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि साइज की वजह से उसे कोई चीज छू नहीं पा रही थी। पर ग्रूट के टेम्पल के अंदर पहुँचते ही ट्रेज लार सीट के पास आवाज जाना शुरू हो गया था और अब सीड एक गंभीर खतरे में था। तभी ग्रूट की बॉल दूसरी दिशा में चली जाती है। ग्रूट भी उसके पीछे जाते हैं। ग्रूट को वहाँ एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें उस ट्रेज लार का वर्णन था, पर ग्रूट वहाँ एक पत्थर से ड्राइंग करने लगता है। लावा तेजी से ट्रेज लार सीड की तरफ बढ़ रहा था। वाचर भी वहाँ मौजूद था। ग्रूट उसे देख पा रहा था, इसीलिए उसे हाई करता है, पर वाचर को विश्वास नहीं होता कि ग्रूट उसे देख पा रहा है, क्योंकि वह फिफ्थ डायमेंशनल
में था, इसीलिए उसे लगता है कि ग्रूट बस दिखावा कर रहा है। ग्रूट अब वहीं सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। वाचर इससे परेशान होता है क्योंकि ट्रेज लार के नजदीक लावा पहुंच चुका था। तभी ईश्वरीय प्रकाश ग्रूट के ऊपर पड़ता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है। ग्रूट देखता है कि वो लाइट उस ट्रेज लार पर पड़ रही है। ग्रूट उस ट्रेज लार सीट की तरफ बढ़ता है। वाचर इससे खुश होता है कि भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, पर ग्रूट ट्रेज लार सीट के पास जाकर उसे नहीं बचाता बल्कि उस पर अटकी हुई अपनी बॉल को निकाल लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। ट्रेज लार सीट लावा में मिलकर नष्ट हो जाता है। तभी वो मंदिर भी नष्ट होने लगता है। ग्रूट भी इसमें दब जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो उस मंदिर के मलबे से बाहर निकल आता है। वाचर को भी समझ नहीं आता कि ग्रूट ने ऐसा क्यों किया। ग्रूट अब वहाँ से निकल जाता है और वाचर को हाय बोलता है। वाचर को अभी विश्वास नहीं होता कि ग्रूट उसे देख पा रहा है। इसे